नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने को लेकर जनता में काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। आज न्यूज 18 इंडिया ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जो इस विवाद के तूल पकड़ने से काफी पहले 1977-78 में विवादित स्थल पर हुई खुदाई की टीम का हिस्सा थे। इनका नाम है के मोहम्मद। जी हां, के मोहम्मद एएसआई के कार्यकर्ता अधिकारी थे उस जमाने में। के मोहम्मद साहब हमारे साथ आज खुद लाइव मौजूद रहने वाले हैं। नॉर्दर्न रीजन के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने खुदाई से निकले सबूतों के आधार पर यह दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है। तो हम तो आज पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के लिए खुदाई से निकली मंदिर की निशानियों की जानकर अनदेखी की जा रही है? क्या एएसआई के पूर्व निदेशक के दावों को बतौर सबूत नहीं देखा जाना चाहिए? और क्या वैज्ञानिक तौर पर की गई खुदाई एएसआई ने जो की और एक मशहूर संस्था एएसआई जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, क्या उस एएसआई के दावों की अनदेखी करना जायज है? इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये खास। हिंदुस्तान का जो वजीर आजम मोदी साहब हैं या यहाँ आदित्य साहब हैं, योगी साहब हैं, इस मसले को हर दो मिनट में हो सकता है। अगर हमारे वजीर आजम या उनका कोई नुमाइंदा फिर ये ना सोचे कि गैर वो भगवा झंडा लेके या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, ये मसला हल हो सकता है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस योगी के योग से राम मंदिर। पहली बार जो ने जब इसका एक्सकवेशन जो हुआ था वो प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में थे, तो मैं भी उसी का एक मेंबर था। और हम लोगों ने एक्सकवेशन के लिए जब गया तो वो जो बाबरी मस्जिद था उसमें उसी टाइम में जो मंदिर का जो 14 पिलर्स थे, और फिर जब एक्सकवेशन उसमें तो खैर तो बिल्कुल जाहिर था कि जो ना ये मंदिर का पिलर्स है, क्योंकि हम लोग सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट की सलाह, कभी आपसी बातचीत से सुलझ की उम्मीद, तो कभी जल्द सुनवाई से इंकार। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के इस शोर में न्यूज 18 इंडिया के एक खुलासे से नई हलचल मच गई। हर खुलासा एक्सक्लूसिव। उसमें जो ना फिर मंदिर के लिए जो ना और भी जो बहुत सारी चीजें जो होना चाहिए, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो टेम्पल्स था वो सारे के सारे उसके नीचे से मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर भी अगर आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में एक प्रतिष्ठा होगा, जो भी है, शिव है, विष्णु है, जो भी है, ब्रह्मा है, तो उसको जो ना डेली एज पर द रूल आपको यू हैव टू बेथ इट डेली, और उसका जो पानी जो निकलता है तो उसको जो ना प्रणाली कहते हैं, उसको अभिषेक जल जो ना प्रणाली कहते हैं, वो तो सिर्फ मंदिर में ही होगा। न्यूज 18 इंडिया के जरिए के मोहम्मद ने देश को बताया कि वैज्ञानिक खुदाई में जल की मकरमुख वाली प्रणाली, शिखर के नीचे अमल का और विष्णु हरि शिला फलक मिला, जो कहता है कि ये मंदिर उसका है जिसने 10 सिर वाले का वध किया। On the basis of all these evidences, it's very clear that there was a temple below the mosque, just below the mosque. Babri Masjid के पहले एक मंदिर था, and that too was dedicated to Lord Ram. इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? मंदिर मस्जिद विवाद में ये तथ्य बातचीत शुरू करने की बुनियाद हो सकते हैं, लेकिन जब ये तथ्य सामने आए तो पहली प्रतिक्रिया कुछ ऐसी रही। झूठ बोल रहे हैं वो, पक्के झूठे हैं वो, कहने दीजिए उनको, बेवकूफ, वो गधे हैं। हाजी महबूब ये मानने को तैयार नहीं कि विवादित जगह राम जन्मभूमि, लेकिन सबसे बड़े विवाद के खत्म होने की नाउम्मीदी पाले भी वो नहीं बैठे। इस मसले को हर दो मिनट में हो सकता है, मैं चाहता हूँ मुल्क में 92 का किस्सा न दोहराया जाए बस। योगी भी राम मंदिर विवाद निपटाने के दावे करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक नया अवतार नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या योगी मोदी की जोड़ी बनवा पाएगी राम मंदिर?
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, राम मंदिर विवाद से एक और महत्वपूर्ण खुलासा, ध्यान से सुनिए। 2003 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद में हुई खुदाई की टीम के हिस्सा रहे एएसआई के पूर्व एडीजी बीआर मणि, यानी दोबारा जब खुदाई हुई उस वक्त की एएसआई टीम की जो पूर्व एडीजी रहे बीआर मणि, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद इस खुदाई का कामकाज देख रहे थे, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया है। इसके मुताबिक विवादास्पद स्थल की खुदाई के दौरान वहां मंदिर के अवशेष मिले थे। जी हां, जो बात के मोहम्मद साहब कह रहे हैं 1976 वाले, वही बात मणि साहब कह रहे हैं जो 2003 में खुदाई कर रहे थे अपनी टीम के साथ अयोध्या में कोर्ट के आदेश के बाद। क्या कह रहे हैं बी आर मणि के साथ खास बातचीत की है मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने, पहले सुनते हैं बी आर मणि के साथ हुई है खास बातचीत। ऐसा है कि जब प्रोफेसर बीबी लाल ने एक्सक्वेशन किए थे उस समय भी उनको कुछ पिलर बेसिस मिले थे जिनके आधार पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ बाबरी मस्जिद से पहले किसी मंदिर के अवशेष संभव हैं। और जब हम लोगों ने एक्सक्वेशन किए हम लोगों को और भी बहुत सारे प्रमाण मिले, जो प्रमाण हमें मिले थे वो सारे प्रमाण उसमें दिए हैं और उनको देखते हुए हमने ये कहा कि यहाँ मंदिर के प्रमाण उपलब्ध हैं और इस पे मेरे ख्याल से बहुत अधिक कोई विवाद की का विषय नहीं। जो हमने उत्खनन करवाए उसकी साइंटिफिक डेटिंग करवाई जो पहले नहीं हुई थी और उन साइंटिफिक डेटिंग्स के आधार पे ये डेट्स ईसा पूर्व 15वीं 16वीं शताब्दी तक चली गई, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या बहुत ही प्राचीन स्थान है जो कि यदि हम उस स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं तो ऐसे में ये भी हम कह सकते हैं कि जो पेंटेड ग्रेवियर के आधार पर कृष्ण या महाभारत की तिथि रखी जाती है उससे कहीं पहले की तिथि अयोध्या में उपलब्ध है। सुना आपने, एक नहीं दो दो सरकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सरकारी अधिकारी जो खुदाई के काम में संलग्न रहे, जिम्मेदारी दी गई, वो मान रहे हैं कि ऐसी तमाम चीजें मिली थी अयोध्या में जो साबित करती हैं कि वहां पर अरसे पहले एक मंदिर हुआ करता था। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या योगी और मोदी की ये जोड़ी राम मंदिर बनवा पाएगी अब? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP space देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP space देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज का हैशटैग है राम मंदिर, इसके जरिए भी आप #HTP और #राम मंदिर के जरिए भी अपने सुझाव सवाल हमको भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं जिस वक्त हमारे साथ यहां पर खास लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी, आपका स्वागत है, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बाहर से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल इस डिबेट में शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर के मोहम्मद साहब भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वही मोहम्मद साहब जो पहली खुदाई के वक्त अयोध्या में अपना फर्ज सरकारी ड्यूटी निभा रहे थे और जो कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, निशानियां मिली हैं। इन सब के साथ साथ मेरे साथ यहां स्टूडियो में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मसूदुल हसन कासमी साहब भी हैं और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा। सबसे पहले के मोहम्मद साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको यह लगता है मोहम्मद साहब? Yes. क्योंकि आपने किया बी आर मणि साहब का भी हमने बयान सुनाया, एक नहीं दो दो अधिकारी जो दो अलग अलग वक्त पर वहां पर एक्सकेवेशन के काम में लगे हुए थे उन्होंने मंदिर होने की निशानियां पाई, सबूत पाए और तमाम चीजें हम तफसील से दिखा चुके हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा मोहम्मद साहब कि क्या कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि राम मंदिर वहां ना बने, इसीलिए इन तमाम एविडेंसेस को नकारा जा रहा है,
देखिए मैं तो एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये जो सवाल आपने पूछा है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा एक मंदिर के अवशेष, ये जो बाबरी मस्जिद था उसके नीचे हम लोगों को मिला है 1977-78 के एक्सकवेशन में प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में। मैं वहाँ, मैं भी था वहाँ, तो हम लोग कई लोग थे उसमें से एक मैं भी था। तो उसी समय में हम लोगों को जो मस्जिद में ही जो ना हम लोगों को ये पूरे की पूरा पिल्लर मिल गए थे, 14 पिल्लर्स थे। और उसके अलावा फिर बाकी एरिया हम लोगों ने जब एक्सकेवेशन किया तो उस समय में जो पिल्लर खड़े होने के लिए जो चबूतरा बनाते हैं ब्रिक का चबूतरा वो मिला था। और ये जो ना पिल्लर देखने से एकदम जो ना जो हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट है और हम लोग एकदम पहचान लेंगे कि जो ना ये किस चीज का है, ये मंदिर का है, मस्जिद का है या गिरजाघर का है जी। तो उसमें जो ना देवी देवदास भी रहते हैं, तो इससे बहुत जाहिर था कि जो ना ये मस्जिद के जो ना पहले एक मंदिर के अवशेष है करके। पर मंदिर है वो, राम जन्मभूमि भी वही है, ऐसी कोई बात आप बता सकते हैं कि वो जन्मभूमि वही जगह है? मंदिर तक तो ठीक है, ये 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 राम जन्मभूमि की मसला तो मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग बस इतना कहेंगे एक राम की मंदिर थे एंड दैट वाज 12th सेंचुरी के मंदिर थे। अच्छा। लेकिन बाद में जो मणि साहब के जो एक्सकेवेशन जो किया, डॉक्टर मणि ने जो एक्सकेवेशन किया है राइट, उसमें उनको जो ना उसमें उनको 14th and 15th सेंचुरी BC का राइट एविडेंसेस मिले। तो वो उसके बारे में वो बात करेंगे, लेकिन जो मैंने किया, हम लोगों ने जो किया है उसी के बारे में एक सवाल और फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूँ। कार्बन कार्बन डेटिंग कराई गई, मणि साहब ने कहा कार्बन डेटिंग मतलब बहुत ही साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज को साबित करने का, ये कितना कितना पुरानी है। ऐसे में आपको लगता है कि जब इतने सारे एविडेंसेस मिले हैं, इतनी सारी तस्वीरें छपी मीडिया में आ चुकी थी 2003 में जब एक्सकेवेशन चल रहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ये बहुत अच्छा मौका है दोनों पक्षों को मान लेने का बैठ कर कि वहां पर मंदिर का निर्माण हो सके? मोहम्मद साहब, ये इज इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज ऑफ कोर्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी मिल नहीं पाएंगे। तो मुसलमानों को जो ना बैठ के जो ना सोचना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरशिप को बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को जो ना बदलने के मोहम्मद साहब, और आप ये कह रहे हैं आप खुद मुसलमान है, तब आप ये कह रहे हैं आप पे बागी होने का, धोखेबाज होने का इल्जाम लगेगा क्या? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, लगा भी हाजी साहब ने लगाया भी है, उससे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों का अगर मसला सुलझ गया, यही सबसे बड़ी चीज होगी हम लोगों के लिए। क्या आप पूरे मुसलमानों को जो ना मौका, क्या आप किसी प्रेशर में ये बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी ग्रुप का साथ नहीं हूँ, न मैं बीजेपी का, अक्सर जो ना लोग कहेंगे बीजेपी का है या आरएसएस का है, हम लोगों को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब जो ना एक मुसलमानों को एक मौका मिल रहा है, मैं अक्सर ये भी कहता हूँ मुसलमानों से, मुसलमान को मक्का और मदीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है एक आम आदमी के लिए, एक आम हिंदू के लिए। क्या अगर जो ना अगर हम लोगों का जो, क्यों हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट जगह है मस्जिदुल अक्सा, जब वो मस्जिदुल अक्सा जब 1967 में जूश लोगों ने कैप्चर किया था, तो मुसलमानों के दिमाग में, दिल और दिमाग में क्या गुजरा है वो आप इन सारे मुसलमान लीडरशिप से जरा पूछ लीजिए। बिल्कुल, लोग सब जना मस्जिद में जाके रोए थे। तो वही जो ना प्रॉब्लम है एक आम हिंदू के साथ, ये बिल्कुल मैं आपकी बात को और आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मोहम्मद साहब प्लीज बी विद मी एंड कासमी साहब, कासमी साहब आपने बहुत ही कैटेगोरिकल सुना और आपने कहा भी बीच में कि हवा के रुख के साथ बह रहे हैं मोहम्मद साहब, ये साइंटिस्ट आदमी है, ये विज्ञान की तर्ज पर बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे नकार सकते हैं? देखिए ये विवाद कोई नया नहीं है, ये के मोहम्मद साहब पहले बोलते, अब सरकारें बदल गई हैं, लोग हवा को रुख देख करके बात करते हैं, लोगों की यही आदत है जब मौका उस वक्त बोलते नहीं, फिर जब हालात बदल जाते हैं तो माइलेज के लिए लोग बताते हैं। असल बात ये है कि ASI की रिपोर्ट जब से ये विवाद शुरू हुआ है 5 बार हुई है, आगे 5 बार जी, और हर रिपोर्ट कंफ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के खिलाफ है हर रिपोर्ट। एक एक साहब मैंने दो अधिकारी दिखे, मैं ये कह रहा हूँ, दो बार खुदाई हुई वहां पे,
मैंने दोनों खुदाई दोनों टीम के अधिकारी को सुनवाया आपको, एक दूसरे आप एक अधिकारी दिखा दीजिए, नहीं देखिए आप एक से मिलवा दीजिए जो ये कहे लोग वहां पे राम मंदिर के अफसर, ये लोग जो बोल रहे हैं डिबेट है साहब, रिपोर्ट में क्या लिखा है इन्होंने बताया, ये के मोहम्मद साहब उस पर जो एक्सक्यूवेशन हो रहा था ये वहां मौजूद भी नहीं थे, आप वहां पर थे? वो थे भाई, नहीं नहीं इन्होंने बताया, इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें, अरे थे भाई, इनका सुना नहीं, इनका अभी नहीं, जब जब पहले खुदाई हुई 1976-77 में तो मोहम्मद साहब उस टीम का हिस्सा थे, देखिए ये मोहम्मद साहब क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, आप वहां पे मौजूद थे 77 में, इनका कहना यह है कि मैं सेकंड एक्सकेवेशन में नहीं था, 2003 वाला जो एक्सकेवेशन है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने क्लियरली कहा मैं 77-78 का जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब के अंडर में जो एक्सकेवेशन हुआ है उसी एक्सकेवेशन में था, और इसी में मैंने इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में 1990 में कहा था, 15th of December, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, राइट, मस्जिद गिरने के दो साल पहले मैंने जो ना मेरा जो ना रिपोर्ट जो ना पूरे की पूरे इंडियन एक्सप्रेस में पूरा अपने सारे एडिशन में पब्लिश किया है, फिर हिंदी एडिशन में पब्लिश किया है, फिर आप कैसे कहेंगे कि हम लोगों ने पहले ये नहीं कहा, उसी टाइम में मानना पड़ेगा, आज विज्ञान की तरफ बात कर रहे हैं 2003 की, हाजी महबूब साहब उस जब वो एक्सक्यूवेशन हो रहा था, जब खुदाई हो रही थी तो उसमें वो थे, 10 दिन के लिए वो वहां से गायब हुए, वो मुंबई चले गए, उस 10 दिन में क्या जी उन 10 दिनों में क्या हुआ है खुदाई में, कहां अरे भाई एक ही नुमाइंदा था, कहां से आपने वहां पे पूरी ला के रख दी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से एक ही नुमाइंदा था जो 10 दिन के लिए चला गया, जी जी जो कोई और उन्होंने किसी को सब्सिट्यूट नहीं रखा, एक धर्म विशेष का आदमी मुस्लिम हाजी मोहम्मद साहब, ऐसे ऐसे मत करिए, मैं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर बात कर रहा हूँ, आप हवा में लफाजी कर रहे, चले गए नहीं, मैं आऊंगा, मैं आता हूँ, 10 दिनों में क्या हुआ, मैं आता हूँ, लोग कहेंगे बीजेपी का है या आरएसएस का है, हम लोगों को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, अब जो ना एक मुसलमानों को एक मौका मिल रहा है, मैं अक्सर ये भी कहता हूँ मुसलमानों से, मुसलमान को मक्का और मदीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है एक आम आदमी के लिए, एक आम हिंदू के लिए, क्या अगर जो ना अगर हम लोगों का जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट जगह है मस्जिद अल अक्सा, जब वो मस्जिद अल अक्सा जब 1967 में जूश लोगों ने कैप्चर किया था तो मुसलमानों के दिमाग में दिल और दिमाग में क्या गुजरा है वो आप इन सारे मुसलमान लीडरशिप से जरा पूछ लीजिए, बिल्कुल लोग सब जना मस्जिद में जाके रोए थे, तो वही जो ना प्रॉब्लम है एक आम हिंदू के साथ। तो आपने सुना के मोहम्मद साहब को लगातार कह रहे हैं कि जहाँ पर मस्जिद थी वहां नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे, और एक नहीं दोनों बार जो खुदाई हुई दोनों टीमों का निष्कर्ष लगभग एक जैसा था, इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या योगी और मोदी की ये जोड़ी राम मंदिर बनवा पाएगी। हजारों की संख्या में SMS ऑलरेडी मिल चुके हैं अभी तक के डिबेट में, 87% हां में जवाब दे रहे हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है, 81% ट्विटर पर हां में जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ अब इस डिबेट में जब मैं अब आगे बढ़ाऊं उसके पहले बता दूं हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, आपका स्वागत है इस डिबेट में। सुधांशु जी मैं आऊंगा आपके पास और अजय जी मैं आपके पास आता हूं, एक सवाल जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा विजय शंकर तिवारी से। तिवारी जी एक नहीं दो बार खुदाई हुई, दो बार के दो अधिकारी कैमरे के सामने आकर बता रहे हैं कि उनको अवशेष मिले, क्या लगता है अब कोर्ट को तुरंत इस अवशेष के आधार पर इन साइंटिफिक प्रूफ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने आज ही कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। देखो सुमित जी ये तो बहुत पहले निर्णय हो जाना चाहिए था, और 2010 में जो निर्णय आया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो मतलब कुछ अलग अलग था लेकिन एक बड़ी सामूहिक चीज थी, 1528 से पहले यहाँ पर हिंदू भवन था, ये एक बेसिक चीज थी, उसको पकड़ करके अभी तक निर्णय हो जाना चाहिए। अभी काजमीर साहब कह रहे थे कि जो ASI की खुदाई हुई उसमें से बड़ा अंतर विरोधाभासी नहीं अंतर हो सकता है, किसी में कोई चीज दो चीजें कम हो किसी में दो चीजें ज्यादा हो, लेकिन काजमीर साहब एक चीज कहना चाहता हूं उसमें किसी में भी मस्जिद होने के संकेत कहीं भी नहीं दिखाई पड़े, मस्जिद होने के संकेत कहीं नहीं मिले हैं, तो ये कहना कि उसमें अंतर है ये ठीक।
नहीं है, एक मिनट 18 मार्च 1886 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी इसका एक निर्णय आया था, और उस निर्णय में यह कहा गया था ये हिंदुओं का जो बहुत पवित्र स्थल है उसको तोड़ करके ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है। ये 18 मार्च 1886 की बात कर रहा हूं। इतने प्रामाणिक चीजों को भी नजरअंदाज करके मैं ये कहना चाहता हूँ, बस एक मिनट, ये के मोहम्मद साहब जो बात कर रहे हैं तो वो लोग कहाँ हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले के मोहम्मद साहब को सुनना चाहिए, और इसके बाद फिर कहना चाहिए कि गंगा जमुनी तहजीब बनाकर किसने रखी साहब? ये आप मानेंगे इस बात को? आप तो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, आप लोग लगातार पार्टी भी रहे हैं अनऑफिशियली, सही? लेकिन देखिए, इन सब बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन लोगों का कोर्ट पर कोई विश्वास नहीं है। कोर्ट, ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट हो रहा है कोर्ट का। जब कोर्ट में एक मामला चल रहा है, ये जो सबूत पेश कर रहा है या जो तारीख बता रहे हैं या जो आसार जो खुदाई के दरमियान निकले हैं, ये सब तो कोर्ट के सामने भी है। हमने नहीं माना, इन लोगों भी डायरेक्ट दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट में। ये तो पहुंचे हैं कि पूरी जमीन हमारी है, क्योंकि उसको टाइटल सूट को कोर्ट ने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो ये लोग तो पहुंचे कहते हुए कि पूरी जमीन हमारी है। नहीं तो हमारा भी तो यही दावा है कि पूरी जमीन हमारी है। पर जब साइंटिफिक प्रूफ मिले उसके अंदर, ये साइंटिफिक प्रूफ ऑथेंटिक है या नहीं ये तो कोर्ट का काम है ना। जब खुदाई हो रही थी तो वहां पे दो दो जजेस मौजूद थे, वहां पर जेएनयू की टीम थी, वहां पर बाबरी एक्शन कमेटी के लोग थे, और कितने लोगों की मौजूदगी चाहिए? नहीं, सब लोगों की मौजूदगी में जो भी खुदाई हुई है, बहर सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कहीं भी खुदाई में जो कह रहे हैं कि मस्जिद की चीजें नहीं मिली, कभी भी खुदाई में नीचे जो है मस्जिद अगर कहीं बनती है तो उसके नीचे कोई ऐसी चीजें नहीं डाली जाती जो 100 साल 200 साल के बाद जो है वो चीजें सबूत के तौर पर आए। एक गारे और पत्थर और ईंट से जो है मस्जिद बनाई जाती है, कभी उसमें कोई चीज लिख करके मिला ना? मंदिर का भी नहीं, के मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, दो अधिकारी खुद बता रहे हैं। कभी कोई आदमी, अगर कोई इतनी बड़ी मस्जिद वहां पर, बाबरी मस्जिद कोई छोटी सी मस्जिद नहीं थी, कोई 100 गज के एरिया में नहीं थी, इतनी बड़ी मस्जिद, ये तो मानेंगे ना कि बाबर बाहर से आया था, बाबर यहां की पैदाइश नहीं थी? ये तो ठीक है, लेकिन बाबर तो बाहर से आया था, अपनी निशानी छोड़ता गया था, बाहर आकर के यहीं का होकर रह गया, यहां से छोड़ करके नहीं गया, बाबर ने उसको तोड़ करके बनाया, ये कैसे आप कहते हैं कि बाबर ने सबूत बनाया? ना कैसे सबूत मिले? नीचे से जमीन के, मैं तो साइंस के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई भी बात साइंस के आधार पर बोल रहा हूँ। वो साइंस को ऑथेंटिक कोर्ट मानेगा या नहीं वो कोर्ट का काम है। कोर्ट ने माना, कोर्ट अभी कुछ नहीं किया, हाईकोर्ट ने तो कहा, हाईकोर्ट की बात कर रहा है, हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर हाईकोर्ट ने माना तो क्यों नहीं डिसीजन दे दिया राम मंदिर के फेवर में? बाबरी मस्जिद हम बिल्कुल अलग हो जाता है, हाईकोर्ट ने तो तनाव ना फैले, ये भी हो सकता है। अदालत में आस्था के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अदालत को अपना कानून के मुताबिक काम करना। सुधांशु मित्तल और अजय कुमार, सुधांशु मित्तल अजय कुमार, सुधांशु जी आपकी कोई सबूत की दरकार है? अजय कुमार जी जवाब देंगे सुधांशु मित्तल की बातों का। सुमित जी पहले मैं बोलूं या पहले अजय बोलेंगे? पहले आप ही बोलेंगे सुधांशु जी। अच्छा सुमित जी, देखिए इस सारे विवाद में 3 पक्ष हैं। एक है न्याय पक्ष क्या है, एक है कानून पक्ष क्या है, और एक है वस्तु स्थिति क्या है। पहले न्याय पक्ष में आते हैं। न्याय पक्ष में जब अभी बात हो रही है, मैं आपको रिपोर्ट, मेरे पास ये रखी हुई है, वैसे दिखा दूं। ये रिपोर्ट में स्पष्ट है कि 12 मार्च 2003 से लेकर 7 अगस्त 2003 इसमें खुदाई हुई, 83 ट्रेंचेस थे, 90 जगह टोटल हैं जहां पे खुदाई हुई। और देखिए इसका कंक्लूजन ये रहा लास्ट में उसका है, और ये जो थी ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड है, ये कोई किसी की प्राइवेट एएसआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बिल्कुल ये हाई कोर्ट के कहने पे ये खुदाई हुई। अच्छा आपको ध्यान है इस सारे में सैयद शहाबुद्दीन हुआ करते थे, जी जी, सैयद शहाबुद्दीन चीख चीख के हर टेलीविजन पे कहते थे कि मुझे एक प्रमाण दे दीजिए कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था और मैं खुद खड़ा होकर मस्जिद को तोड़ दूंगा, ये सबके बीच में कहते थे, और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। अभी आपने पूर्व मोहम्मद साहब को, के मोहम्मद साहब को सुन लिया, और रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी।
स्पष्टता से ये है कि मुफ्ती साहब मौलाना साहब तिवारी जी, एक मिनट में नाम ले रहा हूँ। अच्छा खासा डिबेट चल रहा था, हाँ उत्तेजित होने की बात नहीं। अजय कुमार की बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी आपकी इजाजत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अजय कुमार साहब एक रिस्पॉन्स आपका जरूर चाहूंगा। अजय कुमार जी मैं एक मिनट, अजय कुमार जी, सुधांशु जी आई विल कम बैक टू यू। अजय कुमार जी इतने सारे सबूत, क्या विज्ञान को भी तर्क नहीं मानना चाहिए? वैज्ञानिक आधार पर जो खुदाई हुई जो चीजें निकली, क्या उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए? कांग्रेस क्या कहेगी आज की तारीख में? अजय कुमार देखिए सुमित जी, पहले तो देश के मुख्य न्यायाधीश ने जो है सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष को इसमें जो है, दोनों पक्ष का मतलब है कि दोनों जो पेटिशनर्स हैं इस केस में, वही किसी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। वो बैठ जाएं और उसके समाधान करें। इसमें ना तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को उपस्थित होनी चाहिए, कोई भी हो, VHP हो या बाजबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सिर्फ जो भी इस केस के जो है पेटिशनर्स है उनके बीच में अगर समझौता हो जाए तो अति उत्तम है। पहली बात है कि 1950 से, एक मिनट, पहली बात है कि 1950 से वहां पर नमाज जो है पढ़ने, वो उस मस्जिद में जो कोई नमाज नहीं पढ़ रहे थे। के मोहम्मद साहब ने जो बात कही है बहुत ही सरल रूप से उन्होंने बात रखी। हमारा सिर्फ यही कहना है कि देखिए जिस तरह से अगर मान लीजिएगा कि बहुत, और हमारे हिंदू धर्म के और हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी आस्था का विषय है, और इसका जो अगर समाधान दोनों पार्टी, और इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ कि दोनों जो पक्षधार जो है दोनों पार्टी सिर्फ पेटिशनर्स बैठे और इसका एक उचित समाधान दे जाए तो देश के लिए बहुत बड़ी कदम होगी। लेकिन परंतु एक मैंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं अजय जी, आज जब साइंटिफिकली दो फॉर्मर ऑफिसर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने सबूत पाए, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, फिर आप, अब कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? क्या अभी भी आप नहीं चाहते कि वहां राम मंदिर को लेकर मूवमेंट शुरू किया जाए, राम मंदिर बनाया जाए? अजय कुमार मैं बहुत कैटेगोरिकल पूछ रहा हूं आपसे, बचिए मत। देखिए पहले नहीं, और कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं, पहले कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं कि देखिए हर एक समय तो जो है राजीव गांधी जी के आरोप, ये उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जो है मंदिर के ताला खोल दिए थे, आरोप इस तरह के। उस पर मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि देखिए मामला दो तरफ की, मामला उलझ, अरे एक मिनट सुमित जी, दो सेकंड, मामला उलझ क्यों रहा है? क्योंकि ये कोर्ट के माध्यम से पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गई, और अब जो लोग कहते हैं कि आपको न्याय, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर न्याय दे दे, तो इसीलिए मामला यहाँ पर अटका हुआ। मामला सबूत के आधार पर अटका हुआ। मैं समझ गया आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना, मैंने दोबारा कोशिश की, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, मैं दे रहा हूँ यार, वहाँ पर बननी नहीं। जफरयाब जिलानी, एक मिनट सर, जफरयाब जिलानी साहब भी जुड़ गए इस डिबेट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से। अजय जी सबसे बड़ी बात यह कि आस्था और जनभावना का जो विषय है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए संसद में जाना ही पड़ेगा। आप चाह रहे हैं संसद में हो, जफरयाब जिलानी साहब और के मोहम्मद साहब मेरे साथ, सुधांशु जी आऊंगा। जफरयाब साहब आपका मैं काफी देर से इंतजार भी कर रहा था। जिलानी जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जो हमसे जुड़ने के लिए। के मोहम्मद साहब ASI के पूर्व अधिकारी जो 77 के एक्सकेवेशन में थे, इनका ये कहना है, आप जानते होंगे आप इस केस के साथ जुड़े रहे हैं, कि 14 पिलर्स मिले थे, मंदिर होने के सबूत मिले हैं वहां से। जिलानी साहब योर रिस्पॉन्स। के मोहम्मद साहब ने अगर सन 76 की रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
सन 76 की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है किसी चीज़ का। इसकी खुदाई बाबरी मस्जिद के नीचे उस वक्त हुई नहीं थी, वो साइड में हुई थी, कोई पिलर नहीं निकले थे। ये बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं कंट्री को और ये गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद जो खुदाई हुई है 2003 में हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो हुई है, उसमें कोई पिलर नहीं निकला है। पिलर के बेसिस के बारे में कहा गया, जिसको हमने हाई कोर्ट में साबित किया है कि वो पिलर बेसिस नहीं हो सकते, और हाई कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाई कोर्ट ने कहीं नहीं माना है कि वो वहाँ पर कोई मंदिर एग्जिस्टेंस का निकला है, जो मंदिर कोई एग्जिस्ट करता हो उसकी रिपोर्ट भी एसआई की ये नहीं है। कोई मंदिर 1528 में गिराया गया हो या 1528 में कोई मंदिर वहाँ रहा हो, उसकी रिपोर्ट में सिर्फ यह है कि जो चीज़ें निकली हैं वो 12th century के मंदिरों के अवशेष के तरह से हैं, उसके बारे में कोई भी फाइंडिंग उसकी नहीं है। हमारे इतने ऑब्जेक्शन है वो गिराया है। सबसे बड़ी बात यह कि आस्था और जनभावना का जो विषय है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए संसद में जाना ही पड़ेगा। एक मिनट अभी तक के जो जवाब आए हैं कि योगी मोदी की ये जोड़ी बनवा पाएगी राम मंदिर, आपके सामने है जवाब। एसएमएस पोल पर 89% और ट्विटर पोल पर 82% लोगों को उम्मीद है इस नए डेवलपमेंट के बाद कि वहां पर ये जोड़ी मंदिर बनवा पाएगी। लेकिन मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जफरयाब जिलानी साहब ने मोहम्मद साहब आपके तमाम तर्कों को खारिज किया है कि वहां पर वो पिलर्स नहीं मिले थे जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि वहां मंदिर था। मोहम्मद साहब जवाब दीजिए जिलानी साहब की बातों का। या अच्छा, जब 1977-78 में मस्जिद जिंदा था, वो थोड़ा नहीं गया था, तो ये जो 14 पिलर्स जो है ना वो उसी मस्जिद में एम्बेडेड थे, क्योंकि इतिहास में इसी तरीके से बहुत सारे मस्जिद तोड़ा गया है। अगर कोई शक है तो आज भी जो ना जाके जो कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसकी जो पिलर्स जो ना देख सकते हैं उसमें आज भी भगवान की मूर्तियां हैं, गणेश की मूर्तियां हैं, गणेश जी की मूर्तियां हैं, बहुत सारे मूर्तियां हैं। इसी तरीके के जो ना पिलर्स जो ना वो मस्जिद में एम्बेडेड थे, और उसके बाद जो एक्सकवेशन जो किया है उसमें कई जो पिलर बेसिस जिसके ऊपर वो उसी तरीके के पिलर जो खड़े हुए थे वो मिला है। तो ये जो ना उस जमाने में तो बिकॉज इट वॉज नॉट ए वेरी बिग इश्यू, क्योंकि किसी भी इसी तरीके के सोचते नहीं थे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे की तरह जो ना सोचते नहीं थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं कहा गया है। लेकिन ये मुद्दा जब बन गया है ये इश्यू भी जो ना उसके साथ ही साथ आ गया, और उसके बाद जो ना फिर 2003 के एक्सकवेशन में बहुत सारी चीज़ें मिली है, और जिसके बारे में मैंने पहले आपसे कह भी चुका है। और दूसरी बात एक ये है कि जी, मैंने शहाबुद्दीन साहब से मेरी जान पहचान थी। वो इसलिए जान पहचान हुआ था क्योंकि वहाँ जब मैं पटना में था वहाँ एक मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा। जी हाँ, वहाँ कुछ VHP के कुछ लोगों ने एंग्रोच करके मेरे पहुँचने के पहले ही उन लोगों ने मंदिर बना दिया था। लेकिन मेरे पीरियड में वो BJP के पीरियड था, सेंट्रल में BJP था, जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उस ऑफिस वहाँ के जो आदमी हैं जवहर प्रसाद जो MLA थे उन्होंने उसको एक्सटेंड करने के लिए कोशिश किया। तो मैं जो ना बिल्कुल एकदम जो ना अनलाइक अदर ऑफिसर्स आई वेंट इनटू द साइट और मैंने वो पूरी की पूरा जो ना थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स मैंने उसको रुकवा दिया। Right. आज तक जो ना वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। बिल्कुल, इट्स अ रिकॉर्डेड फैक्ट जिलानी साहब कि शेरशाह सूरी के मकबरे को जो अतिक्रमण किया गया था पटना में उसको इन्हीं मोहम्मद साहब ने खाली कराया BJP के राज में BJP के नेता से। तो जिलानी साहब ये कह देना कि KK मोहम्मद साहब गलत हैं या KK मोहम्मद साहब मिले हुए हैं,
नहीं नहीं इससे साबित कुछ नहीं हुआ, इससे इससे ये साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं जान दी है, इससे ये साबित की रिपोर्ट से इसका क्या ताल्लुक। जिलानी साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको खुदाई की रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे थे, जिलानी साहब मेरी बात सुन लीजिए, कह रहे हैं मैं खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो पिलर्स कहीं से ला के लगाए गए थे जिसको बारे में खुदाई से नहीं निकले थे, बिल्डिंग में लगे हुए थे, मान रहे हैं तो दूसरे पर डिस्प्यूट क्या रह गया। जिलानी साहब खुदाई में नहीं मिले थे, मैंने यही आपसे कहा पुराने मंदिरों के इसको मान रहा हूँ, पुराने मंदिरों की जगह पर जब मस्जिदें बनाई जाती थी तो उन्हीं पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें चार आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर सूरज भान, प्रोफेसर एक मिश्रा और प्रोफेसर अथरली और उसमें दो एक हिस्टोरियन प्रोफेसर डी एन झा, उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें है, हाईकोर्ट में दाखिल है, उन्होंने कहा कि ये जो इसमें एम्बलम है चूँकि मस्जिद कहीं और से मंदिर से लाए गए थे दूर से, लेकिन किसी भी तरह से ये इससे इंडिकेट नहीं होता कि यही लगे। जिलानी साहब इससे ये भी लाके लगाए गए, कैसे मान लो कि सूरज वानी को मंदिर तोड़कर बनाया गया, सूरज वानी केवल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे नहीं है, क्या ये सच होगा का मानना। जिलानी साहब वहां पे 2003 की खुदाई के वक्त में, ठीक है जो कुछ भी 2003 की खुदाई के वक्त में हमने वो मणि साहब का बयान भी सुनवाया, वो मेरे साथ लाइव नहीं आ पाए इस डिबेट में, मैं उनको भी लाना चाहता था, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो तमाम चीजें मिली हैं उससे साबित हो रहा है कि वह मंदिर हुआ करता था, और ये साइंस उन्होंने कार्बन डेटिंग की बात की है, और जब खुदाई चल रही थी जिलानी साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये, आप फिर भी कह रहे हैं नहीं, उनका दावा है तो रिपीट कर रहा हूं उनकी बातों को ताकि आप जवाब दे सके। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, दो लोगों पे मैं आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का रेस्ट्रेंट है, मैं ज्यादा उस पर नहीं कह पाऊंगा क्योंकि दो आदमियों पर कंटेंट प्रोसीडिंग चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील है, लेकिन हम ज्यादा उनकी ये बात सिर्फ कमेंट के कहेंगे कि गलत कहते हैं, कोई मंजिल साबित होता है उससे 1528 में। सुधांशु मित्तल बोलना चाह रहे हैं जिलानी साहब आपकी बात को, सुधांशु सुनाइए आप हाईकोर्ट के ऑर्डर के, तो मैं वकील हूँ मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते कहीं भी नहीं लिखा है जबकि तुलसीदास जी ने 2000 शतक में लिखा है, और मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपने ही कहा था कि तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है, ये भी अप्रामाणिक आरोप है। मैं एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक एक करके एक एक करके सुधांशु मित्तल जवाब देना चाहेंगे आप कुछ पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं रिपोर्ट के बारे में जिलानी साहब को। मैं आखिरी पैराग्राफ इनको पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि ये तो सत्य को क्योंकि नकार रहे हैं, तो ये सुन ले क्या लिखा है उस रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में। व्यूइंग इन दी टोटलिटी एंड टेकिंग इनटू अकाउंट दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ मैसिव स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एंड एविडेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन स्ट्रक्चरल फेस। अरे भाई चुप रहिए, कुछ तो तहजीब रखिए गिलानी साहब, आप में जरा सा भी तहजीब नहीं है। आप में अगर अपने तर्कों का दम है तो दूसरे को भी सुनिए, अगर आप में तर्कों का दम है अबे हम और अगर आप बात कर ही नहीं चाहते हो रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो कुछ कह ही नहीं सकता, हो चुका था हमारा, आप चुप रहिए, आप में तहजीब होनी चाहिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, सुनाने के लिए आपको बहुत थोड़ी तहजीब होनी चाहिए, चुप रहिए जरा, आपको चाहिए होंगे एक मिनट, आप दोनों बहुत सीनियर हैं, आप दोनों आपने बोला मैं प्लीज 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 सभ्यता बना के रखे, हमको डांट ले बैठे, प्लीज सभ्यता बना के रखे, प्लीज सभ्यता बना के रखे, प्लीज सभ्यता जिलानी साहब बैठिए, जिलानी साहब जिलानी साहब आपके उठ के जाने का मतलब है कि आप जवाब नहीं देना चाहते, प्लीज जिलानी साहब, जफर याब साहब आप सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हैं, जफर याब साहब आपके जाने से गलत इंप्रेशन जाता है, क्यों जा रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ से भाई। खैर मेरे पास मुफ्ती साहब है, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सुधांशु मित्तल अपनी बात पूरी करिए, आपके बात का जवाब आप मुफ्ती साहब देंगे। सुधांशु मित्तल अजय जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट सब्र, सुधांशु मित्तल ये तर्क, ये क्योंकि तर्क नहीं है इसलिए उठ के गए, सुनिए वो कहता है डेकोरेटेड ब्रिक्स एज वेल एज म्यूटिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिवाइन कपल एंड कार्व्ड आर्कियोलॉजिकल मेंबर्स, और लास्ट में लिखता है कीपिंग इन व्यू द अबव इन द सर्कुलर श्राइन्स हैविंग पनाडा इन द नॉर्थ 50 पिलर बेस इन एसोसिएटेड विद द ह्यूज स्ट्रक्चर एंड इंडिकेटिव ऑफ रिमेन्स विच आर डिस्टिंक्ट फीचर फाउंड विद द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2003 की जो एक्सकेवेशन उसकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट के यही बात तो जफर याब जिलानी साहब कह रहे थे, मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, पिलर के बेस के बारे में बात हुई है, अब आगे सुनिए, उसके बारे में ये कहा गया है कि उसका बेस जो है उस सेंचुरी के जैसा है, इसमें कहीं भी जो मंदिर का जिक्र नहीं है, सुधांशु जी बोलिए,
समित जी मैं नया सुनाता हूं ना, बताइए समित जी, अब मैं नया सुनाता हूं। देखिए ये लिखा है मदीना, मदीना सऊदी टेक्स अ बुलडोजर टू इस्लाम्स हिस्ट्री, और आगे लिखा हुआ है कि मदीना के अंदर जो मस्जिद है उसको वहां से हटाया जा रहा है ताकि एक विशाल वहां पे और भव्य स्ट्रक्चर बनाया जा सके। ये सब तो मैंने ये सब देखिए, मदीना और मक्का को इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है और ये गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और न कभी हो सकता है। थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है वहां पर, एक्सटेंशन होता रहता है। थोड़ा सा तहजीब ये देख लीजिए ना आपके सामने, वो है ठीक है, मैं कुछ ही एक्सपेंशन लेकिन उसको हटा के ले आएंगे तो मान लीजिए इसको हटा के कम से कम देख लीजिए, सत्यता को झूठना बोले गूगल पे आप फैक्ट उठा के अजय अजय कुमार, अजय कुमार बोलना चाह रहा है, अजय कुमार, अजय कुमार आप देख लीजिए एक मिनट, क्या कहना चाह रहा है मुफ्ती जी, एक मिनट, अजय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार स्टन, अजय कुमार, अजय कुमार, सुमित जी जैसे जैसे मोहम्मद साहब ने कहा या तिवारी जी भी कह रहे थे, पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि आस्था की बात है, और जब दोनों पक्ष बैठ करके बिना राजनीति का अगर एक अच्छा समाधान हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज है, एक तो तथ्य एक जगह अपने जगह पर है, दूसरा जो है आस्था, और ये सब पूरे सभी लोग मानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह क्या है कि 1950 के बाद वहां पर किसी तरह से नमाज पढ़नी जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि इस देश में जो है एक ज्वलंत मुद्दा है, अगर हम लोग बैठ करके इसको पूरी तरह से समाधान कर ले, लेकिन आखिरी में मैं सुधांशु जी से एक चीज जरूर अनुरोध करूंगा, अजय जी नमाज को पाबंदी तो 1950 में आपने लगाई है, सर बोलने दीजिए सर, मैं सर 1950 में तो आपने ताला लगवाया उसमें, तो आप ही ने नमाज को पाबंदी लगाई, उसको आप क्यों प्रूफ के तौर पर पेश कर रहे हैं कि नमाज नहीं हो रही है या 50 साल से नमाज नहीं हो रही है। सर दो सेकंड पाबंदी तो आपने लगाई है वहां पर, उससे पहले 500 साल तक नमाज नहीं हो रही है। अजय जी देखिए, अजय जी दो चीजें हैं, अजय जी दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक इमोशनल मामला कि वहां राम मंदिर की राम जी की जन्मभूमि है, और दूसरा वो तथ्य जो जमीन के अंदर से निकले, खुदाई में निकले, और वो उस बात की तस्दीक करते कि वहां कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर था। क्या कांग्रेस पार्टी मानेगी कि उन तर्कों के आधार पर वहां पर मंदिर के लिए कोर्ट को हरी झंडी देनी चाहिए? कोर्ट ने वो बात ने मानी नहीं, मानिए ना, अजय जी बोलिए आपका स्टैंड, कैसे कह रहे हैं इस बात पार्टी का स्टैंड, हम कैसे कह रहे हैं कि वहां पर वो तथ्य थे? सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, पहली बात है, देखिए एक चीज है, कोई भी प्रवक्ता ये कह दे कि कोर्ट को ये बात माननी चाहिए, वो बात माननी चाहिए, तो नहीं आप साइंटिफिक प्रूफ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतनी सी बात पूछ रहा हूं, इस पर कंटेम्प्ट हो जाएगा, साइंटिफिक प्रूफ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतनी सी बात पूछ रहा हूं मैं, प्रूफ नहीं, नहीं अगर आप हमसे पूछेगा, हमसे पूछेगा तो साइंटिफिक प्रूफ और आस्था ये दोनों बहुत बड़ी बात है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर दोनों समुदाय के बीच में अगर ये जो है इसके चलते हुए सभी जो है खून खराबा ये सब जो है दंगा फसाद सब बंद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, मैं सुधांशु जी से यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम हम लोग को अब माइनॉरिटी को इसी आधार पर टारगेट करना बंद हो जाए, लेकिन इसका समाधान करना बहुत अति आवश्यक है। अजय जी और आस्था की बात है, सबूत की बात है, दोनों की बात है, इसको मान के जाना चाहिए। एक संवैधानिक रास्ता और है जिसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस संसद में बिल ला करके और इस मंदिर के निर्माण जो मामला जो लोग कोर्ट में विचाराधीन है उसमें संसद में बिल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, विचाराधीन है तीसरी पार्टी को मानना पड़ेगा। सुमित जी मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में संसद में भी पास हुआ तो वो कैसे हो गया था? संसद कोई मनाही नहीं है, ये शाबानों के बार बार जिक्र करते हैं, शाबानों का मामला एक ही धर्म के दो लोगों के साथ का मामला था, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि दो धर्म के लोगों का आपस का मामला है और आस्था का मामला है, तो यहाँ एक बात मौलाना साहब एक बात आप ही बताइए, बहुत बोलना चाह रहे हैं, डिबेट का वक्त भी खत्म हो रहा है, जब एक बेहतरीन मौका मिला है बातचीत करने की पहल खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं तो क्यों नहीं बातचीत के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं? क्यों यह कहा जा रहा है कि हम कोर्ट का आदेश ही मानेंगे? पीछे अब क्या आपको इस बात का डर है कि तमाम तर्क गिरा दिए जाएंगे कि वहां अवशेष मिले? ऐसा नहीं है, हम इसीलिए तो कोर्ट में लगे हैं। अब तक जो अब तक जितनी बार भी बातचीत हुई है दूसरे पक्ष की हठधर्मी और दूसरे पक्ष तो आपको बोलेगा जबरदस्ती,
अपनी बात को मनवाने की वजह से तमाम अपनी वैसे ही बैठकों से भागे विफल हो गई नहीं 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 गलत उन्होंने कोई गलत अल्फाज नहीं उन्होंने कोई भी गलत अल्फाज नहीं किया कोई भी गलत अल्फाज ये भाग गए ये ऐसे ही भाग गए पांच बार बैठकों में भागे मैं कह रहा हूं कि जब इनके सामने प्रमाण आ रहे हैं ये भाग जाते हमारी ही बात प्रमाण है ये भाग गए हमारे ऐसे भाग मानिए आपको मंदिर बनवाना पड़ेगा आपको मस्जिद पे अपना हक छोड़ना पड़ेगा बार बार जब ये मैं माफी चाह रहा हूँ तब वो तमाम ही मैं माफी चाह रहा हूँ आप दोनों पक्ष बहुत हठधर्मिता पे हैं ना साइंस को सुन रहे हैं ना भावनाओं को सुन रहे हैं ना तर्कों को सुन रहे हैं तो हल निकले तो निकले कैसे सबसे बड़ा सवाल यही है और इसीलिए मामला इतने सालों से उलझा हुआ है और इतने उबाल आने के बावजूद भी क्या योगी मोदी की ये जोड़ी सुलझा पाएगी दर्शकों को लगता है सुलझा पाएगी लेकिन परिस्थितियां और जो पार्टियां हैं वो ऐसा शायद होने नहीं देना चाहती इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे मैं इतना ही